तो हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आप लोग मेरे स्कोर वगैरह देखोगे तो इस टाइम पे 32,000 क्रॉस हो चुका है, और करंट रैंकिंग देखोगे तो इस टाइम पे मैं ऑल ओवर इंडिया पे रीजन पे 85 नंबर पे चल रहा हूँ। तो वही बात करें हम लीडर बोर्ड की, तो यहाँ पे देखोगे तो मैं सोलो रीजन विंस पे इस टाइम पे टॉप 2 नंबर पे चल रहा हूँ। और अगर किल्स में देखोगे मतलब की एलिमिनेशन में, तो रीजन के एलिमिनेशन में सोलो में इस टाइम पे मैं 6 नंबर पे चल रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। बाकी आप लोग इससे रैंक पुश कर रहे हो कि नहीं, या फिर कर रहे हो, तो आप लोगों का इस टाइम पे करंट स्कोर कितना है जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को भी तो पता चले कि आप लोग रैंक पुश कर रहे हो कि नहीं। तो फिर आ जाओ सीधा, भी आपको मैं गेम के अंदर ही लेके चलता हूँ। ओके, तो चलो ये रहा आज का पहला मैच जिसमें मेरा किल देखोगे ना, तो इस टाइम पे मेरे 4 किल तो हो ही चुके हैं। बाकी मेरे को छोड़ के अभी भी 4 बंदे बचे, देखोगे तो 5 बंदे टोटल अलाइव है। अब इस टाइम पे मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होल्ड करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरे किल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। बाकी मेरे को अभी बस बुइया चाहिए। इधर एक बंदा दिखा वेंडिंग मशीन के पास, ये तो पेक करके अपना लूट कम्प्लीट कर रहा है भाई। पता नहीं लास्ट जोन में क्या खरीद रहा है ये। तो चलो इसको डैमेज तो दिया हूँ थोड़ा बहुत लॉन्चर से ही। बंदा अंदर चला गया भाई। तो अभी ना भाई बंदे किधर किधर है पता ही नहीं चल रहा है। एक बंदा तो उधर है, ओके उनका फाइट चल रहा है। तो एक काम करते हैं, उधर ही चलते हैं, थर्ड पार्टी करने को मिलेगा। बाकी हम दोनों को छोड़ के एक और बंदा बचा है। ये बंदा आखिर किधर है? ओके इधर ही है यार ये तो। और चलो फाइनली इसको मैंने जैसे तैसे करके फिनिश तो कर दिया। एक लास्ट का बस बंदा और बचा है, और मेरे को फुटस्टेप आ रहा है। ये बंदा मेरे पे रश करने के लिए आ रहा है मेरे ख्याल से। ये अंदर आ चुका है, इधर ना लैंड माइन लगा देते हैं, अंदर या फिर ऊपर में पता नहीं, लेकिन मेरे को फुट स्टेप तो आ रहा था, मतलब उधर ही है। ओके बंदा को डैमेज तो गया लैंड माइन से, बाकी वो अंदर के साइड पे चला गया है। और ये वाला बंदा ना मे बी हील कर रहा होगा, तो इस पर मैंने रश तो कर दिया। बाकी किधर के साइड पर पता नहीं, इधर ही है भाई। इसको चलो डैमेज तो दिया हूँ। और फाइनली इस वाले बंदे को तो मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया भाई। और इसी के साथ ना इस वाले गेम में मेरे को टोटल 6 किल के साथ भुइया मिला है। बाकी देखते हैं प्लस कितना हो पाता है इस वाले गेम में। तो 28 का प्लस मिला। तो अगर बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें देखोगे ना तो इस टाइम पर मेरे 1 किल तो हो चुका है। और इधर के साइड पर ना एक बंदा है, मेरे को फुट स्टेप आ रहा था। ओके इधर ही है ये वाला बंदा। तो भाई ये तो मेरे को पिक कर दिया यार। ये वाला ना वाल तोड़ते हैं भाई। उसके पास ना शॉर्ट गन है भाई, वो भी वो 7th एनिवर्सरी वाला है। ओके इसने मेरे को डैमेज दे दिया, लेकिन मैंने भी इसको काफ़ी डैमेज दिया है। और फाइनली बंदे को मैंने फिनिश कर दिया भाई। मेरे को लगा ही था ये वाला बंदा इधर के साइड पे आके मेरे पे रश करेगा, इसलिए मैंने पहले से ही फायर करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि उसको काफ़ी इजीली मैं फिनिश कर पाऊँ। तो चलो इसी के साथ मेरे 2 किल तो हो ही चुके हैं भाई। इस वाले गेम में किल नहीं निकले यार, 2 ही किल निकला। 1 किल तो अभी अभी मेरे को मिला है। बाकी लास्ट के अभी 2 बंदे और बचे, किधर है पता नहीं। ओके एक बंदा इधर ही आ रहा है भाई। मेरे को जोन में भी जाना है यार। भाई इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया। काम करते पीछे के साइड पे मेरा गाड़ी है, तो इसको पकड़ के निकलते हैं, नहीं तो ये वाला बंदा मेरे को जोन में ही मार देगा भाई, मतलब दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। तो इस टाइम पे मैंने अपना दिमाग लगाया और पीछे की तरफ आके अपना गाड़ी पकड़ लिया, ताकि मैं काफ़ी ईजिली जोन में जा सकूँ। लेकिन ऐसे सिचुएसन में एलिमिनेट होने का भी चांस रहता है, मैं मरते मरते बचाऊँ। अरे यार क्या बचा है भाई ये वाला बंदा यार, मतलब थोड़ा सा ही मिस हो गया, नहीं तो उसको मैं गाड़ी से उड़ा दिया रहता। मेरा गाड़ी भी इस टाइम पे जोन के बाहर में चला गया भाई। तो अभी टाइम आ चुका है गाड़ी को अलविदा कहने का। बाकी ये बंदा एकदम सामने है भाई, मेरे मुंह पे ही है। और ये बंदा काफ़ी तगड़ा बंदा लग रहा है यार मेरे को। ये तो ना इधर टेंट के अंदर चला गया है। लेकिन भाई हम दोनों को छोड़ के एक और बंदा बचा है, उसका लोकेशन पता नहीं लग रहा है यार। इतना छोटा सा जोन हो चुका है, और हम दोनों आपस में थोड़ा बहुत फाइट भी कर रहे हैं, लेकिन उसका लोकेशन अभी भी नहीं पता लगा है भाई। वो किधर छिप के बैठा है यार? मे बी वो राइट वाले टेंट के अंदर होगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बाकी देखते हैं, अभी वेट करते हैं इन दोनों का फाइट होगा तो। बाकी अगर उस वाले बंदे का भी लोकेशन पता लग जाता तो मज़ा आ जाता भाई। लेकिन ये वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही तगड़ा बंदा लग रहा है मेरे को, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस वाला बंदा होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ओपन में आया के रस कर रहा है, या फिर पीक ले रहा है। ऐसा मानो कि ये डायरेक्ट हेड ही मार देगा। बाकी इस पे नेड का डैमेज तो गया है, अंदर ही है भाई। ये भाई सेंटेनिया वाले यार, इनसे अभी के टाइम पे मेरे को डर तो लगता है भाई। मतलब पता नहीं किधर से किधर आके जादूगर की तरह मार देते हैं भाई। कभी कभी मर जाता हूँ यार इनके हाथों में। बाकी इन दोनों का फाइट स्टार्ट हुआ। ये बंदा भाई इसी के अंदर था क्या, या फिर अभी जिसको मैंने मारा वो कोई और बंदा था? जिससे मेरा पहले फाइट हो रहा था वो कोई और बंदा था। बाकी इनका तो फाइट स्टार्ट हो गया, एक बंदा इधर ही है भाई। इसने देख लिया भाई, मैं तो पीछे से जाके ना इसको M10 से मारने वाला था भाई, लेकिन देख लिया यार उसने तो।
अच्छा तो ये वाला बंदा है भाई जो इतने देर से छिप रहा था भाई, मतलब दिखने का नाम ही नहीं ले रहा था यार ये बंदा किधर छिपा था पता नहीं। बाकी इस टाइम पे देखोगे तो एक लास्ट का बस बंदा और बचा और ये काफी तगड़ा बंदा है भाई। यार M10 डैमेज ही नहीं दे रही यार इसको तो, लेकिन डैमेज दिया हो काफी ज्यादा उसको। बाकी ना मेडिकेट करते हैं भाई, और ये वाला बंदा भी मेडिकेट ही कर रहा होगा। लेकिन इस टाइम पे मैं तो हिल बैटल करने की इरादे में नहीं हूँ। बाकी यहाँ पे वॉल मेल्टर डालते हैं और वॉल टूटेगा तो इसको मारते हैं भाई। भाई M10 यार मरता ही नहीं है बंदा भाई M10 से, लेकिन जैसे तैसे करके इसको मैंने फिनिश ही कर दिया भाई। इसी के साथ इस वाले गेम में मेरे को टोटल 4 किल के साथ बुइया मिला, प्लस देखोगे तो इस वाले गेम में मेरे को 27 का प्लस मिला। तो अगर बात करें हम इस वाले मैच की तो इसमें देखोगे तो मेरे 3 किल तो हो ही चुके हैं। सामने एक बंदा है, ओके चल इसको गाड़ी से उड़ाया तू, और फाइनली बंदे को मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया भाई। और इस टाइम पे देखोगे तो 4 बंदे अलाइव है और मेरा 4 किल भी हो चुका है। बाकी एक और बंदा आ रहा है भाई, जस्ट मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है भाई ये तो गाड़ी लेके। तो एक काम करते इधर गाड़ी को छोड़ते हैं और इस वाले घर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक परफेक्ट व्यू भी मिलेगा, किल भी मिल सकता है। बाकी ये वाला बंदा पीछे के साइड पे है तो ये तो ऊपर से आने से रहा, मेरे ख्याल से जोन भी आ जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने लैंड माइन तो लगा दिया है। ओके चलो इस वाले बंदे को बॉडी मार के काफ़ी इजीली मैंने फिनिश कर दिया भाई, और इसी के साथ मेरे 5 किल भी कम्प्लीट हो चुके। लेकिन एक और बंदा मर चुका है यार, यही बंदा बचा है भाई एक लास्ट का। ये तो बंदा मेरा गाड़ी लेके भाग गया है भाई इस टाइम पे, लेकिन ये बंदा काफ़ी तगड़ा बंदा लग रहा है भाई। ये काफ़ी गाड़ी का जो स्किन है ना इसके पास, ये काफ़ी पुराना स्किन है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, मतलब काफ़ी पुराना है। ये तो मेरे पास भी नहीं है भाई, ये टॉपअप इवेंट में आया था जहाँ तक मेरे को याद है। तो चलो अभी ये तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिर इस बंदे से कैसे फाइट होगा, ये जाके कहाँ पर रुका है वो देखते हैं भाई। पहले तो ये तो अभी भी गाड़ी चला रहा है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, वो रहा सामने। ओके चलो गाड़ी तो छोड़ दिया, बंदा ड्रॉप लूटने आ रहा था भाई, इसको डैमेज तो दिया। ये बाइक तो मैंने तोड़ दिया, काम करते हैं ये वाला गाड़ी भी तोड़ देते हैं। यार लास्ट जोन में कोई बंदा गाड़ी से मतलब मारता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब गुस्सा भी आता है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। कभी कभी मैं भी इसका यूज़ करता हूँ, क्योंकि सामने वाले बंदे भी गाड़ी के यूज़ करते तो मैं भी करता हूँ यार। बाकी आ जाओ अभी ना इस वाले बंदे को मारने का ट्राई करते, क्या ये मेरे को पीक देगा, क्या हेडशॉट मारना है मेरे को। ओके तो चलो फाइनली इस वाले बंदे को हेडशॉट मार के ही मैंने फिनिश किया, और इसी के साथ इस वाले गेम में मेरे को टोटल 6 किल के साथ भी यह मिला। वैसे तो मैं हेडशॉट ज़्यादा मारता नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसा ट्राई करता हूँ तो लगता है भाई हेडशॉट। मैं तो ट्राई नहीं करता कभी हेडशॉट मारने का उतना ज़्यादा, क्योंकि भाई हेडशॉट से किल मिले या फिर बॉडी शॉट से किल मिले, बंदा मरना चाहिए सामने वाला यार। तो अभी इस वाले गेम की बात करें तो इसमें मेरे 6 किल हो चुके हैं। ये छत के ऊपर ना एक बंदा है, काफ़ी देर से मेरे को परेशान कर रहा है, तो इस टाइम पर इसको मैंने काफ़ी इजीली स्प्रे करके बॉडी दे मारा भाई, और इसी के साथ मेरे टोटल 7 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी ना लास्ट के अभी 2 ही बंदे और बचे हैं मेरे को छोड़ के। एक बंदा तो लेफ्ट साइड में उधर पत्थर के पास, और एक बंदा किधर है उसका लोकेशन मेरे को नहीं पता है अभी तक। तो अभी देखते हैं आखिर वो वाला बंदा किधर के साइड पे है। जोन भी आ रहा है तो अपने को ना आगे भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वाल लगा के जाते हैं। बाकी ओके ये वाला बंदा इधर के साइड है भाई, ये तो मेरे पे एम ले रहा था यार, अच्छा हुआ मैंने इसको देख लिया, नहीं तो ये मेरे को हेडशॉट मार के फिनिश कर सकता था। मेरे को लगा नहीं था भाई ये वाला बंदा मेरे पीछे होगा, मतलब इधर राइट साइड में होगा। बाकी देखते उसको तो अभी जोन में आना ही पड़ेगा, और जोन काफ़ी दूर है उस वाले बंदे से, मतलब हो कुछ भी हो सकता है, अभी मैं भी उसको मार सकता हूँ, लेफ्ट वाला बंदा भी मार सकता है, बाकी दोनों का फोकस उसी पर रहने वाला है। वो वाला बंदा भी उसको ही मारने का ट्राई कर रहा है भाई। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिर कब तक इस वाले बंदे को वाल बचा के रखेगी, क्योंकि इसके पास परमानेंट कवर नहीं है। मैं भी इसका वाल तोड़ रहा हूँ, सामने वाला बंदा भी इसको मार रहा है, तो इस टाइम पे मैंने वाल मेल्टर तो फेंक दिया है भाई। उसने ग्रोजेक्स से इसको कब फिनिश किया भाई पता ही नहीं चला यार मेरे को। चलो इसको मारते हैं अभी, ये वाला बंदा ना इधर है, ये टीम अप कर रहा है क्या मेरे से भाई? ऐसा लास्ट में मैं तो टीम अप करने वाला हूँ ही नहीं, अगर ये मेरे को लॉबी से टीम अप किया रहता ये वाला बंदा तो शायद मैं कर लेता, क्योंकि लॉबी से जो बंदा मेरे से टीम अप करता है उससे तो मैं टीम अप कर लेता हूँ। लेकिन अब मैंने ये रूल बना लिया कि गेम में आने के बाद किसी से टीम अप नहीं करूँगा भाई, बुइया वगैरह मिस हो जाता है, बंदे मार देते हैं, धोखा दे जाते हैं। फाइनली इस वाले बंदे को मैंने काफ़ी इजिली नेट से ही फिनिश कर दिया। और अभी के टाइम पर ना कई लोगों का ये स्ट्रैटेजी बन चुका है भाई, लास्ट में आके किसी बंदे से टीम
अप करो और उसको मार दो और काफी इजीली बुइया ले जाओ। बहुत बार ऐसे मरा हुआ, इसलिए अभी मैं लास्ट में आके टीम अप नहीं करता यार। स्टार्टिंग में टीम अप करना है तो कर सकते हैं, लास्ट में आने के बाद दिक्कत हो जाता है, ट्रस्ट नहीं होता अभी के टाइम पे। तो बाकी बात करें हम इस वाले मैच की, इसमें देखोगे तो मेरे 3 किल तो हो ही चुके हैं और इधर से मेरे को जोन में भी जाना है। तो गाड़ी पकड़ के मैं जोन में जा ही रहा था तभी एक बंदा आया भाई, माइन से मर गया है यार। मतलब सीढ़ियों पे मैंने माइन लगा के रखा था, एक बंदा आके फ्री में किल मेरे को दे के चला गया और इसी के साथ मेरे 4 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मेरे जस्ट सामने एक बंदा था भाई, उसका गाड़ी टूट गया, मॉन्स्टर ट्रक बेचारे का। ओके, मेरे पीछे एक बंदा है जो जोन के बाहर से आ रहा है, उसके पास स्नाइपर है यार, उसने उसका गाड़ी तोड़ा था। इधर 2 बंदों का आपस में फाइट चल रहा है यार। इधर आके मैंने गलती तो किया है थोड़ा सा, अगर मेरा यहाँ पे गाड़ी टूटता ना तो फिर दिक्कत वाली बात थी यार, नीचे वाले बंदे मेरे को मारते। नीचे 2 बंदे हैं भाई, एक बंदे इधर के साइड पे है और एक बंदे इधर के साइड पे है, तो इनका तो फाइट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है यार। चलो ख़त्म हो गया, एक बंदा भी ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे एक बंदा है। चलो इसको गाड़ी से उड़ाया तू, एक और बार ठोकते। अरे भाई गाड़ी टूट गया यार मेरा, भाई सोनिया दिमित्री वाला बंदा है यार ये तो। चलो फाइनली इस वाले बंदे को तो मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया। इसके पास वो देखो रिपेयर किट देखो भाई, 40-42 रिपेयर किट्स पकड़ा था यार बंदा जो है वो। वैसे अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो मेरे को छोड़ के लास्ट के 2 ही बंदे और बचे हैं और ये राइट वाला बंदा मेरे पे उंगली कर रहा है भाई, मतलब वाल मेल्टर डाल रहा है यार, ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। एक बंदा राइट साइड में है, एक बंदा लेफ्ट साइड में है और ये वाला बंदा मेरे पे रस ना करे, राइट साइड वाला कोई भी बंदा मेरे पे रस ना करे भाई, अगर रस करेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। चलो ये तो रस कर रहा है भाई, ये लड़की है यार ये तो, क्या ज़रूरत है भाई मेरे तरफ रस करने का, ये तो नेड कर रहा है भाई और लेफ्ट वाला। चलो सेंटेनियो लगा के उधर गया है ये। ओके चलो डैमेज तो दिया हूँ इस वाले लड़की को मैंने, अगर मेरे पास कोई और गन रहता ना, M10 रहता तो मे भी इसको मैंने फिनिश कर दिया रहता अभी के टाइम पे, तो क्योंकि M10 का थोड़ा सा रेंज है, मतलब ट्रोगन से ज़्यादा रेंज है भाई और डैमेज भी ज़्यादा है। बाकी अब ये वाली लड़की ना मेरे पे रस करने से पहले 10 बार सोचेगी भाई, क्योंकि मेरे पास ट्रोगन है और ट्रोगन वाले बंदे से ना मतलब भिड़ना पसंद नहीं करते लोग जो है वो। और ये वाला बंदा भाई गाड़ी मंगा लिया है, तो इसका गाड़ी तो मैंने पकड़ लिया है और इसको ही उड़ा दिया भाई इसके ही गाड़ी से। बंदा मतलब सोच रहा होगा, खुद पे गुस्सा कर रहा होगा कि क्यों मैंने गाड़ी मंगाया ऐसा करके। इसको तो लड़की को तो मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया, अब इसकी बारी है। ले भाई और मंगा ले लास्ट जोन में गाड़ी भाई इसका, चाल इसी पे मैंने चल दिया भाई काफ़ी इजीली। इस वाले गेम में मेरे को भुइया मिल गया, लेकिन मज़ा आ गया भाई जो भी बोलो। मैंने ना ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस वाले गेम में मेरे को इतना आसानी से भुइया मिल जाएगा भाई, क्योंकि सिचुएशन ही वैसा बन गया था एक टाइम पे। और इस वाले गेम में मेरे को 27 का प्लस मिला। तो अगर बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें देखोगे तो एक बंदा भाई कहाँ चढ़ के बैठा यार ये देखो। चलो इसको डैमेज तो दिया हो थोड़ा बहुत, और एक बंदा ना इधर मॉन्स्टर ट्रक घुमाए जा रहा है भाई, घुमाए जा रहा है। मैं जोन के अंदर जाना तो चाहता हूँ अभी के टाइम पे, लेकिन गाड़ी वाले से थोड़ा डर भी लगता है। ले भाई ये बंदा भाई कहाँ से गाड़ी ऑर्डर करके भाई नीचे आ रहा है यार ये देखो भाई, बंदे पर दिमाग तो है यार जो भी बोलो भाई। हेडशॉट लगा है किसी बंदे को, तो हेडशॉट लगा है अच्छा इसी गाड़ी वाले बंदे को लगा है। एक बंदा इधर है, इसका गाड़ी तोड़ देते हैं भाई। चलो फाइनली इसका गाड़ी तो मैंने तोड़ दिया है, बाकी इसका गाड़ी भी तोड़ते हैं ताकि मेरे को दिक्कत ना हो और काफ़ी इजीली मैं जोन में जा सकूं, क्योंकि इधर तो जोन बनने वाला है नहीं, तो मेरे को आगे भी जाना पड़ेगा। तो चलो अभी इनका गाड़ी तो मैंने तोड़ दिया है। अब इस टाइम पे मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि पिछले वाले गेम की तरह इस वाले गेम में भी कोई बंदा लास्ट जोन में आके गाड़ी ऑर्डर करके उसको चलाने ना लगे भाई, बाकी देखते हैं। वैसे इन दोनों का फाइट तो स्टार्ट हो गया भाई, ये वाला बंदा फिर से गाड़ी पकड़ लिया भाई, इसका गाड़ी तोड़ते हैं यार, ये तो मेरे को उड़ाने आ रहा है भाई। चलो मैंने भी गाड़ी पकड़ लिया, बच गया है भाई। क्या बचा है भाई ये वाला बंदा, लड़की ही है क्या मेरे ख्याल से, जो भी है, लेकिन मरते मरते बचा है भाई मेरे हाथों इस टाइम पे। और मेरा ना गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, कभी भी टूट सकता था भाई, तो किसी बंदे के सामने जाके ये गाड़ी टूटता तो फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने पहले ही गाड़ी को छोड़ दिया। वैसे ही वाला बंदा उस पर रस कर दिया भाई, अच्छा हुआ यार मेरे पे रस नहीं किया भाई। अगर इस टाइम पे ना मैं नेड करने के चक्कर में नहीं रहता तो शायद एक बंदे को ग्रोजा से मार दिया रहता, बाकी एक बंदा तो मर चुका है। अभी ना एक लास्ट का बस बंदा बचा है, तो अभी ना नेड ट्राई करते हैं। चलो डैमेज तो गया इसको 66 का, एक और नेड मारते हैं, फिर से डैमेज गया भाई 94 का। इस वाले नेड से तो मरना चाहिए भाई बंदा। और चलो फाइनली इस वाले बंदे को तो मैंने नेड करके ही फिनिश कर दिया भाई। और इसी के साथ ना इस वाले गेम में मेरे को टोटल 7 किल के साथ भुइया मिला, प्लस देखोगे तो इस वाले गेम में मेरे को टोटल 27 का प्लस मिला। तो फिर यही था आज का वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।